हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो बैठा पड़ोस में ब्यास है एक, इनका छोरा सारा का जन्मदिन है, तो यो डीजे डाजे साथ हमने थोड़ा बहुत गाने की आवाज़ सुन सीखा है। ठीक है, तो भाई थोड़ा इग्नोर करियो, क्लास अपनी नुए चली जाएगी। क्लास के अंदर बाधा नहीं बनाना चाहता मैं डीजे वाला ना। तो भाई आज की वीडियो का मैं वो आप हरियाणा जी के पढ़ाएंगे, हरियाणा जी के कुछ नए प्रश्न ठैगी लाया हूँ, हरियाणा करंट पढ़ाएंगे, साइंस के प्रश्न ठैगी लाया हूँ। ठीक है, साइंस के प्रश्न पढ़ाएंगे और इंडिया जीके के प्रश्न पढ़ाएंगे। क्या का खातर हरियाणा पुलिस जो मेल कॉन्स्टेबल है रागा जो दुर्गा शक्ति का पेपर होना है, इनके पेपर ना खातर जैन प्रश्न आएगी PDF चाहिए तो @MOHITPUNIA मोहित पुनिया नाम था, इंस्टाग्राम ID है, आड़ मैसेज करोगे तो PDF मिल जाएगी भाई। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट का देना समझ दो, रुपया माँ है। पहला प्रश्न के भाई हरियाणा में जो फटाफट फटाफट कराए नहीं, डीजे की आवाज़ तेज़ कर देगा। मैं इस तीके कि हम भाई 10 1 मिनट रुक जाए, मैं क्लास लिपट आया हूँ। हरियाणा में कायाकल्प समाचार पत्र किस स्थान से प्रकाशित हुआ था बताओ भाई। हरियाणा के अंदर जो कायाकल्प समाचार पत्र वो हरियाणा के सफीदों से प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, सफीदों कड़ा है। हरियाणा का जो जींद जिला है, जींद जिला का मैं है वो तारा सफीदों है, उड़ता है, कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जो कायाकल्प नाम का जो समाचार पत्र ओकड़ा था प्रकाशित हुआ था। हरियाणा का जो सफीदों है उसका मतलब कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित तो आया था, कायाकल्प नाम का जो समाचार पत्र हो सफीदों का प्रकाशित हुआ था। एक और पूछा जाया करा हरियाणा तिलक, बहुत बार पूछा जाया करा हरियाणा तिलक। ठीक है, याद रखियो हरियाणा तिलक है वो 1923 का है, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा 1923 का है, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा है हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है वो प्रकाशित कराया गया था, बहुत बार पूछा जाया करा। ठीक है, एक हरियाणा संदेश आया करा। ठीक है, हरियाणा संदेश 1958 में वो कौन सा था, बैता नाम तो था उसका, नाम ध्यान कौन मेरा, ठीक से उसने देख लियो। अगला प्रश्न देखो भाई, सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है जो विधिवत निर्धारित नहीं है। तो भाई सांसदा थी जो शून्य काल है यो विधिवत निर्धारित नहीं है, यो उपाय मिल रहा है सांसदा थी, मतलब यो के सिस्टम हो शून्य काल प्रश्न काल, ये प्रश्न पूछे जाया करें। शून्य काल जोकर प्रश्न काल के, अगर प्रश्न काल का मनु है अगर जोकर जो भी सांसद हैं वो जो भी सरकार है ना, सरकार के जो भी मंत्री हैं उन तक प्रश्न पूछेंगे किमें भाई नू पूछ लिया, हाँ भाई तामनू बताओ भाई तामना उड़ा कितनी नौकरी दी, उड़ा के सिस्टम कराया है उस क्षेत्र का में, उड़ा की सड़क टूट रही है तो उड़ा का मंत्री है तो सड़क मंत्री बनाया फिर तना कराया के है, तो इस डाल के जो प्रश्न पूछे जाए अगर वो प्रश्न काल का होया अगर संसद जिस टाइम स्टार्ट होया अगर 11 बजे तक, 11 था 12 का बीच में है प्रश्न काल होया अगर संसद शुरू हो दी है। ठीक है, एक आया अगर फिर शून्य काल, शून्य काल का मैं क्या अगर उसका मैं सांसद आपसरी में बातचीत करे, अगर आपसरी में जो मुद्दे हुए ना उनको ऊपर डिस्कस करेंगे आपसरी में, खुद का आपसरी में उसकी बोल रहे शून्य काल। अगला प्रश्न के भाई ख्याल गायक ओद्दू खान का संबंध हो किस घराने से, तो ग्वालियर घराने से है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जो ख्याल गायक ओद्दू खान है ये किस घराने से संबंध रखते हैं, ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। पिछले साल का जो हरियाणा पुलिस मेल कॉन्स्टेबल का पेपर था 2018 का में जो पेपर आया था, ठीक है उसका मायोड़ा पर्सन है तो नुकान उठा लिया हमें इस थी। ठीक है भाई अपना चेकआउट मार लियो, गाने की आवाज़ सुन दी होगी हल्की हल्की, अक पूरी सुना है। और भाई जब कोई अपना मतलब हरियाणा जी के HSSC बैच नंबर 5 है लीसो ऐप के ऊपर प्रवीण उड़ान सर का ऐप है यो, ठीक है प्रवीण उड़ान सर का, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो 499 रुपया में बैच मिलन लग रहा है वो साथी ले सकर, लीसो ऐप है जो भी इन पेपर की तैयारी करता हो, CET ग्राम सचिव पटवारी दुर्गा पुलिस कमांडो HSTET, तो इंटरेस्टेड साथी है वो ऐप कोर्स ले सकर, ये सारे मास्टर भी पढ़ाओगे भाई इस ऐप के ऊपर। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न के भाई ये तामनू बताओ, पहले तो मेरे ती कमेंट करके बताए क्लास सही कौन गए रिकॉर्डेड लाइव था ठीक होंगे, और तम लाइव की कहोगे तो भाई लाइव ले लें, लाइव में भाई टाइम घना खराब हो प्रॉब्लम यह, बाकी और कोई प्रॉब्लम को नहीं, एक एक घंटा में जाएगी 30% ही क्लास बना है, इसका मैं आधा घंटा में लिपटा दूँ, नाराज तो और भी थोड़े लिपटा दूँगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सांग हो बाजे भगत द्वारा रचित नहीं है, यो प्रश्न पूछा गया, कौन सा सांग हो बाजे भगत ना उसकी रचना कौन करी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए, नुक्का नु मेल कॉन्स्टेबल का मैवड़ा था, ये तीनों के तीनों इनमें का मैं था कोई सा भी बाजे भगत ना रचित कौन कराया, बाजे भगत का संबंध पूछा जाया कर, हरियाणा का सोनीपत जिला था है बाजे भगत का संबंध है। ठीक है, सांगों की इन्होंने रचना करने का काम कराया था, इस तरह संबंधी सिर्फ ये प्रश्न याद रखना बनु है, अगर जो प्रसिद्ध जो स्वांग गायक हैं बाजे भगत उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से, हरियाणा के सोनीपत से मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लियो भाई।
अगला प्रश्न क्या है, पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक हो किसके द्वारा दिया जाता है? साइंस का प्रश्न बताओ भाई। जो पोषक तत्व है द नॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट इज गिवन बाय, मतलब कि भाई एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है उसकी भाई कितने पोषक तत्वों की जरूरत हो है, तो ये जो सारा का सारा ज्ञान है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न पूछा गया। तो आर्नर और सटाउट के द्वारा है पोषक तत्वों का ज्ञान दिया गया था। देख लो छोरा का जन्मदिन है, पार्टी देख लो कितनी बड़ी है। महाराज जन्मदिन आम तो को कर देना, आम तो केक भी कौन काटा करा, मैं क्यों मैं पार्टी करूँगा, किसी दी बुलाऊंगा और बुलाऊं तो कहेगा, मतलब मैं तो किसी के जन्मदिन पर भी कौन जाया करूँ इस चक्कर में। मैं किसी का जोकर कोई मतलब मेरे दोस्त दास्त हो ना भाई, इनका भाई जन्मदिन शायद ये भाई पार्टी पुरुटी से, मैं तो कभी जाया कौन करूँ, मैं गया बेफालतू मैं फिर बुलाने और पड़ेंगे धक्का, खर्चा होगा बिना बात का। तो फिर इस चक्कर में तो किसी की आस्ती किसी की पार्टी में गाया कौन, जन्मदिन छोटे थे जिद कदे जाया कर दे, बड़े पचो कदे कौन गया मैम, फालतू के मान बड़ा मैं फिर बुलाने और पड़े नो, आओ भाई आओ ये और माँ 10-15 हज़ार का खर्चा बिठाएगी जाऊँगे। तो भाई द नॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट इज गिवन बाय आर्नर और सटाउट के द्वारा है, वो न्यूट्रिएंट्स के जो नॉर्म है वो बताए गए हैं। अगला, हरियाणा में विष्णु की मूर्ति कड़े तक प्राप्त हुई, प्रश्न पूछा गया है। विष्णु की मूर्ति वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहन बाड़ी से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। मोहन बाड़ी कड़े है हरियाणा का रोहतक जिला का में, हरियाणा का रोहतक जिला का में है, मोहन बाड़ी स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। अपना जन्मदिन भी आने वाला जता मना बेरा, मेरा जन्मदिन भी इसे महीना है 23 तारीख का। हरियाणा में जो विष्णु की मूर्ति वकड़ता प्राप्त हुई है मोहन बाड़ी से है, हरियाणा में विष्णु की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, और प्रश्न जो कर के नाम है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति पूछी जाया करें। ठीक है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई, इनती भी याद कर लियो भाई। अगला प्रश्न के भाई सुक्रोज के है, सुक्रोज के साइंस का प्रश्न है। सुक्रोज इंग्लिश मानो बोलिया तो सुक्रोज SUC सुक्रोज, सुक्रोज के है, सुक्रोज के है, सुक्रोज डाइसैक्राइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ये ओवा के है डाइसैक्राइड मोनोसैक्राइड, ये सारे के सारे शुगर के फॉर्मूले आ गए मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड वो ओवा है, मोनोसैक्राइड वो ओवा जिनके और फर्दर टुकड़े ना हो सके, मतलब उन तिका में अगर पानी पूनी घोलिया जावे तो उनके और फर्दर टुकड़े ना हुए उसकी बोल रहे हैं मोनोसैक्राइड। ठीक है, डाइसैक्राइड वो ओवा है जिसका मैं दो दो मोनोसैक्राइड हूँ उसकी बोल रहे डाइसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड जिसका मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में मोनोसैक्राइड हूँ बोलो पॉलीसैक्राइड। ठीक है, इसका मैं शुगर के होया करें सारे के सारे सिस्टम। ठीक है, जो शुगर होया करें C12H22O11 शायद यो फॉर्मूला हो शुगर का, मेरा ध्यान को नहीं एग्जैक्टली शायद यो होता हुआ, तो इनका सिस्टम होया करो मोनोसैक्राइड डाइसैक्राइड। तो जो सुक्रोज है यो भी शुगर का पार्ट है, यो के है यो तारा डाइसैक्राइड है भाई। अगला प्रश्न, हरियाणा में महिला पुलिस थानों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 29 अगस्त 2015 को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त 2015 को हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, अरे पुलिस संबंधित प्रश्न है ना, इनकी वीडियो आप इना चैनल पर गेट रखी है। ठीक है, सारे के सारे करवा रखे, 50 मिनट की वीडियो है, देख लोगे पुलिस के प्रश्ना का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सारे पुलिस थाने रंड बंड संड सब की मैं करवा रखे, चेक कर लियो वीडियो। ठीक है, 29 अगस्त 2015 को हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थानों की शुरुआत हुई थी, अब तमका हुए तो एक बार और रिविजन मरवा दी तड़का परसों। अगला प्रश्न के निम्न में से कौन सा है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? साइंस का है सारे ना बेरा है, जो अंडा है विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गणखरेक जो मास्टर है अगर स्कूल में बड़का था विटामिन ए कटवा ले, वहनु कौन देखा था मना आठ अंडे देना आया था मास्टर के आपस रे में बाढ़ के कटवा लें एक दूसरा अंडे और आठ अंडे देना आया था है कि मैं बात हो जाए उससे कम और आठ अंडे देना रहा था अरे किसके फेरे देखना आया था नुकन क्या अगर हैं। तो भाई जो अंडा है अंडा का मैं क्यों अगर भरपूर मात्रा में विटामिन ए हो जिसके बाल बुल उड़ते हो जिस माँ पर उसके खूब अंडे सूड़िया करो, मैं तो आप सूड़िया करता ही बे फिर ही मैं क्या मैं एक्सरसाइज उक्सरसाइज कौन करता, बीच में जिम जाम में जाना शुरू कर दिया था, बॉडी डाली डोले साले फुलाने शुरू कर दिया ये नो नो फिर फूली फली तो सह कौन कि मैं 6-7 महीने का आधा अच्छे अंडे उंडे तो अच्छे सूड़िया मैं बाकी बॉडी का बेरा नहीं भाई फर्क पड़ा भाई मेरे बाल भी इसमें झड़ने शुरू हो गए थे अंडे खाए पथे भी झड़ने तो बंद हो गए देखो तो मैं खड़े रखे अगर तो मैं लहराते हुए बाल यहाँ लहराती हुई जुल्फे हमारी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। संतरा का मैं कौन सा अगर विटामिन सी होया अगर प्रश्न पूछ ले वो तो ठीक है क्योंकि इन तिकू कर याद रख सको ताम भाई जो उनसे खट्टे पदार्थ हों उनका मैं हमेशा विटामिन सी होया अगर मिर्च मार्च होगी उनका मैं विटामिन सी होगा। हरियाणा में कौन सी नदी है जो दो बार प्रवेश करती है? हरियाणा के नक्शा का मैं है एक ऐसी नदी है जो दो जगह तक प्रवेश करा है, ये प्रश्न पूछा है मतलब दो बार प्रवेश करा हरियाणा का मैं। तो भाई जो घग्गर नदी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा का मैं है दो बार प्रवेश करा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला कि लेंस हो किससे बनता है, पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच। जो लेंस होया करें जो चश्मा का हमें लग गए हुए हैं, दो तीन डाल के लेंस होया करें, कांच के होया करें और एक वही जो फाइबर के बटन की आने शुरू हो गए हुए हैं भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी जाते लिपटाऊँ भाई, डीजे वाला फिर बार बार ये तेज़ आवाज़ कर रही भी तम हल्की आवाज़ आँदी होगी। ठीक है, कदे तमन समझ दिया मास्टर एक्सप्लेन कौन करता भाई, जैते कौन करता भाई, यो गणी तोड़ मचा रहा है यो उनको भाई तोड़ा कर ले, अभी भी मंदी आवाज़ कौन कर दे, दो तीन गुट मारूँगा आप सुधर जाएगा, एक तार तुर लिया हुआ कैड की मैं, फिर यो रोगा खम गुट्ठे दे दे कि मैं डीजे कौन बजाने देंदा है, यो गाना कौन सा लिया, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, ऐसा बाबू बनाऊंगा इस ना मैं सा, कोई सा गाना कौन सा लगा इसका, मेरा के पड़ोसियों का भी कौन सा लगा। लेंस हो किससे बनता है, फ्लिंट कांच से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। लेंस हो किसका बनाया गया, जो फ्लिंट कांच हो उसका द्वारा लेंस का निर्माण होया गया। अगला प्रश्न, क्या हरियाणा का पहला जो स्व प्रेरित गांव है वो किस गांव को घोषित किया गया है। जो हरियाणा का जो स्व प्रेरित गांव का मतलब है भाई, जो अपने आप से प्रेरणा ले लेके जिस गांव ने विकास किया है, हरियाणा का जो पहला स्व प्रेरित गांव हो किस गांव को घोषित किया गया, जो सुई गांव है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो सुई गांव है उसको हरियाणा का पहला स्व प्रेरित गांव घोषित किया गया है। अगला के तारे हैं वो किस कारण टिमटिमाते हैं, तो सारे ना बेरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण है वो तारे टिमटिमाते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन बोलना है अपवर्तन थी। ठीक है, अपवर्तन थी के बोलना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जो रिफ्रैक्शन है उसका कारण है वो तारे हो टिमटिमाया करें। परावर्तन किसती बोले अगर रिफ्लेक्शन थी, परावर्तन बोलना है भाई। ठीक है, परावर्तन किसती बोलना, रिफ्लेक्शन थी है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन थी भाई अपना परावर्तन बोलना है, और अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या भाई, जुकर जुकर तारे हों, कई तारे हैं खुद की लाइट हो, कई सूरज वाली लाइट ना चूस ले हुए हैं, तो जिनकी खुद की लाइट हो है ना वो जुकर अपना मतलब उन्होंने लाइट फेंको दूर गणी बहुत गणी दूर हो जाते आप इन्हें छोटे दिखने हैं, कई तारे अपनी धरती दाई बड़े बड़े हैं, तो जुकर वह लाइट आ उनकी तो अपना वायुमंडल का जुकर गैस है रोड़े राड़े के बेरा के भरया पड़ा है नराड़ंगा, तो वह लाइट है वह आगे कणा गया टकरा टुकरू की टुकरू टुकरू की मतलब रिफ्रैक्ट हो कि जुकर मैंने धरती बताया उन्हें टंकी का उदाहरण दिया था, इसका मैंने लाइट गिर तो आड़े जो पानी है तो पानी का मैंने बांगी हो जाएगी और फिर बाहर जाती फिर सीधी हो जाए, नुए वो सिस्टम है कण्या का गेला टकरा टकरा की और वह अपना दौरा पोचा है, तो इसलिए वह लाइट घनी जगह तक टकरा के आऊँ तो अपनी आँख है उसकी एक जगह एनालाइज कौन कर पावे, एक जगह फोकस कौन कर पावे, अपनी आँख ना वो उड़े भी दिखा, उड़े भी दिखा, उड़े भी दिखा, तो इसकी वजह आप इन्होंने चसदा चसदा दिखा भाई, एक बार नो चसगी एक बार नो चसगी एक बार नो चसगी, तो इसकी वजह तारे हों टिमटिमाते हुए दिखते हैं किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। अगला के गजल गायिका जोहराबाई का संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से, ये प्रश्न पूछा गया, तो गजल गायिका जोहराबाई का संबंध वो हरियाणा के अंबाला जिले से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न के भाई, एसी से डीसी में रूपांतरण क्या कहलाता है भाई, जो एसी से अगर आप ये एसी करंट है जो आपका उसको अगर हम लोग डीसी करंट के अंदर बदल देते हैं डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, कई बार से पहले वो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए, अगर एसी का मतलब वो है अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब वो है डायरेक्ट करंट, जो अल्टरनेटिव करंट को अगर आप डायरेक्ट करंट का मैं बदल दे वहाँ है तो वो क्या कहलावा, इन प्रश्न पूछे मॉड्यूलेशन, दिष्टकरण, गुणन, खंडन या परिवर्धन, बताओ भाई क्या कहलाया अगर वो किसका यार है के का है वो भाई कौन सा है वो फिर कवा के है वो कहन दे बताओ भाई, जो एसी से डीसी के अंदर रूपांतरण हो दिष्टकरण कहलाया अगर, इसी इंग्लिश में बोलिया अगर रेक्टिफिकेशन, ठीक है रेक्टिफिकेशन बोलिया अगर, प्रश्न पूछोड़ा है रेक्टिफिकेशन बोलना है, जो अगर एसी करंट को अगर डीसी का अंदर बोलना है तो उस प्रोसेस थी इंग्लिश में क्या बोलना है रेक्टिफिकेशन, उस प्रोसेस का नाम है जिसका मैं आप एसी करंट थी डीसी का मैं बदला हाँ। ठीक है गणे एक्सप्लेनेशन करने का भी टेम को नहीं, रिवीजन मारो जितनी गणी मार चुको फटाफट फटाफट, मॉक टेस्ट दो और संग भाग दो, मॉक टेस्ट था याद आया अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था ऐप है अपना, उसके ऊपर भाई मॉक टेस्ट मिलन लग रहे हैं भाई, मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज हवा मिलन लग रही है तारती। ठीक है 15+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 15+ टेस्ट मिलेंगे तारती मात्र 40 रुपये के अंदर। ठीक है 40 रुपया का मैं जिसना भी प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की वो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन का मैं लिंक मिल जाएगा अपना ऐप का, उड़ा जाएगी मॉक टेस्ट ले सको, एक उड़ा फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा, एक तारती डेमो मॉक टेस्ट भी मिलेगा जिसका मैं 100% मिलेंगे तारती इन सारे मॉक टेस्ट का मैं। ठीक है डेली का एक मॉक टेस्ट मिला नो कौन आज लिया आज मिल दिए सारे 15 के 15 मिल जाएंगे एक दिन में, हम 15 16 भी कौन कर सकते। ठीक है
100% आओगे उसका मैं इंग्लिश हिंदी साइंस मैथ रीजनिंग सारे डाल के प्रश्न आओगे। अगला कि हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म के निर्देशक कौन थे। जो हरियाणवी सिनेमा था इसकी जो पहली फिल्म थी कौन सी थी, एक तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। जो धरती है वो हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी, पहली फिल्म कौन सी थी वो प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा। जो धरती है वो हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी, ठीक है। और उन्होंने पूछा भाई उसके जो निर्देशक थे वो कौन थे, जो आनंद है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आनंद कोई मजे को नहीं, आनंद आदमी का नाम कदम समझो, आनंद मजे तो मजे चाहिए हर चीज में मजे। या कर देना मैं पढ़िया करता जिस टाइम दसवीं दसवीं में, है मजे लेवा है, मजे लेवा है, बहुत मजे ले रहे हो, हरामी हो गए हो। जब तो ये चालिया कर दे आनंद, आनंद दे जो इनती आनंद आ गया। अगला प्रश्न क्या है भाई, आजकल सड़कों पर रोशनी के पराये हैं वो पीले, पराये का मतलब ज़्यादातर वो पराये पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है। सड़कों ऊपर कौन देखे नू 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 करके नू दो लट्टू से टंगे हुए हैं, ठीक है। अरे इन लट्टुआ का मैं लाइट सी से आ करें पीले पीले रंग के लट्टू आ करें, तो नू प्रश्न पूछा है इन दोनों से लट्टू हों पीले पीले रंग के, इनका मैं कौन सी गैस भरी हो, तो इनका मैं सोडियम गैस भरी हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। आजकल जो सड़कों पर रोशनी के लिए जो पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है इनके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, सोडियम गैस का प्रयोग किया जाए। मैंने मेरा तारा दिमाग का मैं नियोन हाइड्रोजन चाल दे लेकिन इनका प्रयोग कौन कर दे भाई। अगला के बॉलीवुड के संगीतकार कौन है जिसका जन्म रोहतक के अंदर हुआ था, तो भाई जो आपके केपी कौशिक हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। ये बॉलीवुड के ऐसे संगीतकार हैं जिनका जन्म है हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर हुआ था, और रोहतक से जो सोनू निगम है वो भी वो आपके फरीदाबाद जिले से हैं सोनू निगम, ठीक है। ये भी बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर हैं। और रोहतक से और कौन है आपके, रोहतक से और हुड्डा साहब हैं, रणदीप हुड्डा जान दोगे तो हम, रणदीप हुड्डा भी कौन है अपने हरियाणा के रोहतक से हैं रणदीप हुड्डा भी, ठीक है। बॉलीवुड के अंदर जानते होगे तो हम लोग सुभाष गई भी रोहतक से हैं भाई। अगला प्रश्न के अमल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जो अमल है जो एसिड है वो आपका बेस के साथ रिएक्शन करके, जो एसिड है वो बेस का गेला रिएक्शन करके है वो तारा लवण और पानी बनाओ यानी कि साल्ट और वाटर बनाओ, तो इस प्रोसेस की एक वह है संयोजन उदासीकरण अपचयन विघटन। तो उदासीकरण, उदासीकरण का मतलब कि आपका न्यूट्रलाइजेशन, इस प्रोसेस का क्या नाम है न्यूट्रलाइजेशन है इस प्रोसेस का नाम है, जिसका मैं क्यों आग रहा है जो मतलब कि आपका जो एसिड और जो बेस है उन दोनों की रिएक्शन हुआ, अगर रिएक्शन करके के बना हुआ है आपका साल्ट और वाटर। अगला प्रश्न कि हरियाणा में बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है। जो हरियाणा के अंदर जो बुढ़िया का रंग महल है, अरे वाह टाइप राइटर के कहूँ ही मतना, बुढ़िया का रंग महल लिख रखे लाग दर तना बुढ़िया हो है बुढ़िया, कौन सी बुढ़िया का रंग महल दिखाओगा तै, बुढ़िया का रंग महल दिखा बुढ़िया के बुढ़िया होगा भाई डया होगा डे हो यो ढह को नहीं आओ तो बुढ़िया लिख दिया, फिर मैं कि मैं कहूँगा फिर होगा। हरियाणा में जो बुढ़िया का रंग महल ओकड़ा है अंबाला का मह हुआ हरियाणा के अंदर बुढ़िया का रंग महल स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना है किस किस सिफारिश पर की गई थी, तो जो संथानम समिति है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संथानम समिति की सिफारिश के ऊपर है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न के भाई दिल्ली गुड़गांव सीमा पर कौन सा मध्यकालीन दुर्ग है, तो जो गोपालगिरी का जो दुर्ग है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यो दिल्ली गुड़गांव सीमा के ऊपर एक मध्यकालीन दुर्ग है, ठीक है। यो प्रश्न आयोड़ा है बहुत बार मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसका, का गुजरी महल है यो आपका हिसार जिला का मह है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण है वो कौन करता है, जो अखिल भारतीय सेवा सदस्य है उनकी जो सेवा की जो शर्तें भाई आपको क्या क्या किस तरीके से लोगों के साथ पेश आना क्या क्या कार्य करने हैं, तो जो शर्तें हैं उनका निर्धारण हो कौन कराया करा है, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संविधान, भारतीय संसद या संघ लोक सेवा आयोग, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, भारतीय संसद है वो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की शर्तों का निर्धारण करते हैं भाई। अगला प्रश्न के भाई हरियाणा में आधुनिक सांगों का प्रतिष्ठापक किसे कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद, दीपचंद, पंडित शंकरलाल या पंडित जसराज किसे है वो आधुनिक सांगों का प्रतिष्ठापक कहा जावा, यो प्रश्न पूछा गया है बस क्लास पूरी होने वाली दो तीन प्रश्न हो रहेगे, तो जो दीपचंद है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, पंडित दीपचंद को भाई आधुनिक सांगों का प्रतिष्ठापक कहा जावा हो भाई, ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद सूर्य कवि के नाम से प्रसिद्ध है पंडित लक्ष्मीचंद भाई, प्रश्न पूछा जाया करो भाई। अगला क्या है कौन सा नृत्य होली से दो सप्ताह पूर्व आयोजित किया जाता है, तो जो लूर नृत्य है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, होली से दो
सप्ताह पूरा है वो आयोजित कराया जाए अगर क्यों कराया जाए अगर फसल कटाई के ऊपर भी मेरा सप्ताह यो कराया जाए अगर बेरे नहीं यो ऐसा कोर्स है कौन सा है। अगला प्रश्न के बनीमन में से कौन सा जिला हो करनाल मंडल के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, जो कैथल हो करनाल मंडल के अंतर्गत नहीं आता, बाकी तीनों के तीनों करनाल मंडल के अंतर्गत आओ। इन तीनों के नाम भी याद रखने हैं, इन तीनों जिले के नाम भी याद रखने हैं, यमुनानगर पंचकूला कुरुक्षेत्र, क्योंकि है ना नू पूछ लेगा भाई निम्नलिखित में से कौन सा जिला करनाल मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उन उस टाइम जब इन जिले के नाम याद होंगे भाई यमुनानगर पंचकूला कुरुक्षेत्र, ठीक है, इन ती कुकर याद कुकर रख सको हम, यो जो कर यो हरियाणा का नक्शा है, ठीक है। इसमें जो ऊपरला पासन जो राज्य है ना वो सॉरी जिले हैं ऊपरला पासन उत्तरी भाग का गाणी, ठीक है, उसमें आड़ करनाला है, नक्शा देखो ये तो तारा से याद हो आड़ सिख करनाला हो, करनाल का सा पास यमुनानगर भी है, पहाड़ ऊपरान पंचकूला भी है, कुरुक्षेत्र भी है, ठीक है। तो ये करनाल मंडल का अंतर्गत आव है, ठीक। तो टोटल कितने मंडल अपने 6 मंडल हैं भाई, प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट, क्लास लिफ्टवाई दी होगी सारी, क्या मिनट की क्लास चली है, 19 मिनट हुए हैं, 20 मिनट होने वाली है बस पूरी क्लास का, आज की क्लास खत्म भाई, फटाफट फटाफट लिपटवाने थे, मन्ना भी काम है, मन्ना भी जाना है इनकी बर्थडे पार्टी में, कि मैं खाई के आऊँगा केक का कुक कुक, बहुत तेज हो गए हो तम भी, कि मैं केक का खुआऊँगी, कि मैं आशा कि मैं गुलगुले गल गले और गुलगुले तो केक गुलाब जामुन गुलाब जामुन कुछ तो मिलेगा, जाके आएंगे, इन्विटेशन आया है हमारे घर पर, ठीक है भाई। तो सारे थी राम राम, धन्यवाद, जो रहते ना देखें गुड नाइट, सुबह देखें उनका खातर गुड मॉर्निंग भाई, खैर जो लांडा लगा लो तड़का मिलाएं।